हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा अपडेट। आज का हमारा अपडेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आया है। ये पब्लिक नोटिस आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, 11 मार्च 2023 का ये अपडेटेड है। बताया जा रहा है कि आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, CUET UG का डेट बढ़ा दिया गया है। इसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह के अपडेट पाने के लिए, और इस पर सारी जानकारियाँ दी जाती हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस नोटिस में बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि 9 फरवरी से ये ऑलरेडी ऑनलाइन चालू है, तो आप इसको डेट को थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कुछ नए यूनिवर्सिटी इसमें ऐड किए गए हैं और कुछ कोर्सेस ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से इसके डेट को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। एक्सटेंडेड फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द CUET UG 2023, जो कि 30 मार्च 2023 अप टू 9:50 PM तक है, और इसके लास्ट पेमेंट की बात करें तो ये भी 30 मार्च ही रखा गया है, 11:50 PM तक, ठीक है। अगर करेक्शन की बात करें, किसी भी प्रकार से आप अगर सब्जेक्ट में बदलाव चाहते हैं या फिर कोई स्पेलिंग में गड़बड़ी हो गई है, तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं, जो कि 1 से 3 अप्रैल के बीच में, ठीक है। बाकी बाद अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, यानी आपका एडमिट कार्ड लगभग 30 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आप अपना साइट देखते रहें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसकी जानकारी सबसे पहले आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। और इसमें बात करते हैं कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट मतलब अप्लाई ना करें, उसी में एक ही अप्लाई किया जाए, और अगर किसी भी प्रकार का फ़ी वगैरह रिटर्न नहीं किया जाएगा। यही सब इसमें दे रखा है बेसिकली, इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपका कोई क्यूरी वगैरह है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, टोल फ्री नंबर, तो यहाँ से भी आप इसे आसानी से कुछ पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात आपको अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।